यार देखना कितने भैरे में से गला काट रहे हमारे देश के जवानों की। माँ कसम मेरे हाथ में आ जाए तो एक एक के टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। क्यों वही वही वीडियो बार बार लगा रहा है तू? दूसरी वीडियो नहीं है तेरे पास? ये तेरे को देखना तो देख, तो चल कल्टे मार, चल चल। अरे राहुल सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है, फिल्म देख रहे हो या मैच? नहीं सर, तो वायरल वीडियोस देख रहे हैं। तो देखिए ना किस तरह पाकिस्तानी आतंकवादी हिंदुस्तानी सैनिकों के सर काट रहे हैं, तो आपने तो देखा ही होगा। देखा, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया। सर इसे तो आपको पहले शेयर करना चाहिए था। हाँ सर, देश के सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि कितनी बेरहमी से वो जालिम आतंकवादी हमारे देश के सैनिकों की जान ले रहे हैं। इसे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। और यही चीज आतंकवादी चाहते हैं कि हम इस वीडियो को देखकर क्रोध में आकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वो फायदे में रहे। लेकिन सर इसमें उनका कैसे फायदा? इसमें इनके दो फायदे हैं। दो फायदे? हम समझे नहीं सर। देखो सिद्धार्थ, सबसे पहले वो ऐसे वीडियोस को वायरल करके हमारे देश के लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके जरिए वो अपनी आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंड जमा करना चाहते हैं। अब ये बताओ हमारी देश की जनसंख्या क्या होगी? होगी 125 से 130 करोड़ के आसपास। तो सोचो अगर इनमें से 50 करोड़ लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, दूसरों को दिखाते हैं, तो हमारे और इंटरनेट के माध्यम से ना जाने इन आतंकवादियों के अकाउंट में कितने करोड़ रुपए जमा हो गए, और इन पैसों से वो कितने खतरनाक हथियार और बम बारूद खरीदेंगे। हमारे ही देश में बॉम्ब ब्लास्ट करके हमारे देश के मासूम लोगों के जान लेते हैं। हमारे ही पैसों से ना समझ लड़कों के हाथों में नफरत के पत्थर थमाते हैं, जिहाद और धर्म के नाम पर भड़काते हैं और जवानों पर फेंकवाते हैं। और उनको जख्मी कर देते हैं। हाँ यार सर सही कह रहे हैं, बंद कर, चल अच्छे से गेम लगा, टाइम पास करते हैं। एक बात कहूं दोस्तों, ऐसे वीडियोस, हीरो हीरोइन के प्राइवेट वीडियोस, गेम्स खेलने के वीडियोस, आप लोग अपना समय इनमें गवाते हो। अगर आप अपना यही समय देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, क्यों नहीं आप ये समय उसमें उपयोग करते हैं? अगर वीडियोस देखने ही हैं और शेयर करने हैं, तो ऐसे कितने वीडियो क्लिप्स हैं जो हमारी देश की प्रतिभा को दर्शाती है। हमारे देश में किसी ने सोलर पावर पर चलने वाली बाइक का निर्माण किया है, किसी ने पानी और कार्बो ऑक्साइड पर चलने वाली और ईंधन का बचत करने वाली गाड़ी का निर्माण किया है, कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने वाला यंत्र बनाए हैं, किसी स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने विज्ञान की मदद से नए नए देश हित के उपकरण बनाए हैं। आप लोग ऐसे वीडियो शेयर करें जिससे देश की प्रतिभा आगे बढ़े। लेकिन ऐसे लगने लगा है कि आजकल के बच्चों की शारीरिक और दिमागी हालत मोबाइल की वजह से थम सी गई है। मैदानी खेलों से, वाचन संस्कृति से, भावनिक रिश्तों से लगता है ये आज की पीढ़ी उनसे दूर भागने लगी है। ऐसी बात नहीं है कि हमें मोबाइल और इंटरनेट से दूर रहना चाहिए, आज की जिंदगी में ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतने ही इम्पोर्टेंट जितना हमें अपने भोजन में एक लिमिट के साथ हम नमक का इस्तेमाल करते हैं। इस समय को उपयोग में लाना या व्यर्थ गंवाना ये आपके हाथों में है। देखो ये आपका समय है, लेकिन देश हमारा है, हम सबका देश है। सोचिए जरूर। जय हिंद।